बड़ा केयरफुली राइड करना पड़ रहा है। हाँ, नितिन भाई को मिली असली तलवार तो ओह माय गॉड, बहुत डीप है ये तो। सो कल हमने किल्लर में स्टे किया और वहाँ का वेदर बहुत 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 ठंडा था। तो हम पहुँचे थे शाम को 7 बजे और हमने वहीं इंस्टेंटली बुकिंग करी, एक टू रूम सेट लिया। तो सुबह हम उठे अराउंड 8 बजे और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, थोड़ी बाइक चेक करी। वैसे मैंने चेक किया तो मेरी बाइक में फ्यूल बहुत कम था, तो हमने किसी तरीके से आपस में ही शेयरिंग करके फ्यूल, एक्चुअली मेरी बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा कैपेसिटी उसमें कम है और एवरेज भी ज़्यादा नहीं है। तो सुबह जो मेरा फ्रेंड है रिशु, उससे मैंने फ्यूल लिया और अब हम निकल गए हैं। और किल्लर से जो अब हम आज ट्रैवल कर रहे हैं सच पास, तो जो सच पास है ये अभी जो करंटली मैं हूँ वो हूँ पंगी वैली में। तो ये सारा फॉरेस्ट रीजन है और रास्ता ऐसा ही होगा, अच्छा है। जो कल हमने ट्रैवल करा था क्लिफहैंगर पे उससे तो बहुत ही अच्छा है। और अब आगे का देखते हैं, वेदर थोड़ा ठंडा होता जा रहा है क्योंकि जैसा कि मुझे आगे दिख रहा है कि अगर स्नोफॉल भी हो सकती है उस एरिया में, और नहीं भी होगी तो भी अच्छी खासी स्नो मिलने वाली है। तो अभी मैं फील कर सकता हूँ जो हवा चल रही है वो बहुत ठंडी है। तो अब जाते हैं ऊपर की साइड और देखते हैं कैसा वेदर है, कैसी जगह है। मुझे लग तो नहीं रहा और अभी तक भी रास्ते में कोई नहीं मिला। चलो तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। रास्ते की पहली वाटर क्रॉसिंग और एक स्नो पैच भी हमें दिख गया है। और ये जो स्नो वॉल है वो एक साइड ही है। अब ये इतना बड़ा वाटर क्रॉसिंग नहीं है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम रहती है कि एक तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और दूसरा हम अगर अपने पैर को नीचे लगाते हैं बाइक संभालने के लिए तो शू पूरे गीले हो जाते हैं, और अगर ना संभालें तो बाइक गिरने का डर रहता है। बट चलो अब इसको क्रॉस करते हैं स्लोली स्लोली। ऑल्दो ये रास्ता भी आसान नहीं है, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, बड़ा केयरफुली राइड करना पड़ रहा है। और लुक एट दिस वाटरफॉल, कितना खूबसूरत है। मतलब इन वाटरफॉल और जो माउंटेन है उसके बीच में से हमें निकलना पड़ेगा। कैच करो इसे। हाँ ठीक है, ग्लव्स पहन लो, लगेगी भी नहीं पर कैच कर लेना, बहुत भारी है। लो 1 2 3। अरे यार आपने तो बेइज्जती करा दी। संचित तू मुझे कैच दे। लो, ग्लव्स के अंदर भी ठंड लग रही है। अब हैदर भाई अब की बार कर लेना कैच। अच्छा इसको तोड़ोगे, हाथ टूट जाएगा। लो हमारे दो राइडर्स पीछे रह गए थे, शायद फोटो वोटो क्लिक कराने लग गए होंगे। अच्छा इतने बड़े ग्रुप में अगर साथ में चलो ना तो अच्छी बात तो है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेफ्टी रहती है, कि कोई किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आता है तो हेल्प करने के लिए हैं। बट एक दूसरे की टेंशन भी लगी रहती है। अब जैसे ये दोनों पीछे रह गए, अब हम आगे नहीं जा सकते और यहाँ फ़ोन से तो आप बात कर ही नहीं सकते बिकॉज नेटवर्क इशू इतना है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
जब मैं घर पे डिस्कस करता हूँ कि इस बार मैं इतनी दूर ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो पिताजी कहते हैं कि बाइक की जगह कार लेके जाओ। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है कि वो सेफ्टी चाहते हैं, बट अब उन्हें कैसे समझाएं कि इस रोड पे कार नहीं चल सकती है, इधर बाइक ही बड़ा मुश्किल से इतना ही स्पेस है कि एक बाइक निकल सके। यहाँ है बहुत सारी स्नो, दोनों साइड स्नो है, बट लेफ्ट साइड थोड़ी ज़्यादा है। अब इस वैली में अगर आपको दिख रहा हो तो टोटली कवर्ड विथ स्नो, एब्सोल्युटली इट्स टोटली वाइट। तो एक तो होती है स्नो, एक होती है ब्लैक आइस। ब्लैक आइस क्या होती है? स्नो जब मेल्ट करती है और रोड पे या इधर जो भी पाथ बना हुआ है उस पे वो अगर वो जम जाएगी तो ब्लैक स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ब्लैक स्नो थोड़ी सी डेंजरस होती है, उसमें क्या होता है कि स्लिपरी हो जाती है वो। ओके, ये स्नो स्वॉर्ड एक मिल गई मुझे। ओके, इसको मैं फिक्स करता हूँ बाइक पे। अरे नहीं, ये तो टूट गई, चलो छोड़ो, आगे कोई बड़ी सी स्वॉर्ड पकड़ते हैं। ओके, सब रुक गए हैं फोटो सेशन थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए। ये देखो नितिन भाई भी ऊपर से ये स्नो स्वॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। मैंने भी कभी इतनी सारी स्नो एक साथ नहीं देखी, शायद मेरे ग्रुप ने भी नहीं देखी हो, क्योंकि हम साथ में ही ट्रैवल करते हैं ऑलमोस्ट। नितिन भाई को मिली असली तलवार, तो रुको मैं भी तोड़ता हूँ ये तो। ओके, बहुत लंबी है ये भी। ये देखो ये संचित बच। दोनों साइड स्नो वॉल्स अराउंड 15 से 20 फीट की तो हैं, बट बहुत ठंड नहीं लग रही बिकॉज सूरज निकला हुआ है और हवा भी फील नहीं हो रही है क्योंकि दोनों साइड से कवर्ड है, बट हाँ ठंडा तो है। यहाँ किसी की कार फंसी हुई है, पता नहीं, यहाँ कार तो चलाना बड़ा मुश्किल ही है, रोड बड़ी ख़राब है, क्या पता इनको कुछ हेल्प की ज़रूरत हो। नहीं, ये तो यहाँ के लोकल ही लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे रास्ता ठीक है। ओके ओके, यहाँ बुलडोज़र भी दिख रहा है, शायद इधर यही क्लियर करता होगा रोड को। अच्छा, अब हम वैसे एक्चुअली में पहुँच गए हैं सच पास, ये हाईएस्ट पीक है इसकी, और तो जितने भी पासिस मैंने देखे हैं वो हो गया जलोरी पास, हो गया रोहतांग पास, हो गया या ये सच पास है या खारदुंगला पास है, तो वहाँ हाईएस्ट पीक पे कोई ना कोई मंदिर होता है। और यहाँ भी एक शीतला माता है, ये देखो सच पास 4500 मीटर्स हाई। ओके, तो ये शीतला माता का मंदिर है, चलो थोड़ा हाथ जोड़ के नमन कर लें, तो माता के दर्शन कर लें और थोड़ा आशीर्वाद ले लें कि सक्सेसफुली हम यहाँ पहुँच गए हैं। और देखो बिना भगवान के तो कुछ भी नहीं है, जो कर रहा है यही कर रहा है। तो चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो हम नीचे की साइड जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो भी यहाँ ट्रैवल करता है वो हिमाचल की साइड से ही आता है, एक बैरागढ़ चेक पोस्ट है वहाँ, अपनी कार से अगर जैसे दिल्ली से कोई आ रहा है तो बैरागढ़ चेक पोस्ट पे अपनी कार पार्क कर देगा या वहाँ होटल स्टे कर लेगा, और उसके बाद वहाँ टूरिस्ट वैन, यहाँ से जो है टूरिस्ट कार्स होती हैं वो बैरागढ़ से यहाँ तक आपको लेके आ सकती हैं। तो अगर किसी को स्नो एक्चुअली कहे कि यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो होती ही है, तो अब चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टे रहेगा वो बैरागढ़ ही रहेगा, तो रात को वहीं रुकेंगे। आजकल वैसे ये बाइकिंग पैशन और ट्रैवलिंग पैशन वैसे बहुत डेवलप हो रहा है। अगर मैं पर्टिकुलरली बाइक राइड्स की बात करूँ तो ये इतना आसान नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इट्स वेरी वेरी
लाइक इफ़ यू फील के बहुत एडवेंचरस है, बट हाँ इसमें फिजिकली स्ट्रेंथ भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर हम 12-12 घंटे या कभी कभी होता है कि हम 12 से 15 घंटे भी कॉन्टीन्यूसली राइड करते हैं तो बैक की तो बस बैंड बच जाती है। तो इसी के लिए फिजिकली स्ट्रेंथ आपकी ज़रूर ठीक होनी चाहिए, तो ही आप ट्रैवल कर सकते हो इतना लंबा। और अगर सेफ्टी की बात की जाए ना, तो सेफ्टी मस्ट बी आवर प्रायोरिटी। तो इसमें भी अगर आपको मैं अपने ही, या फिर जैसे कल आपने देखा था कि हमारा एक राइडर गिर गया था, तो उससे कुछ नहीं हुआ, रीज़न बीइंग उसके पास प्रॉपर सेफ्टी गियर्स थे, उसने राइडिंग पैंट्स पहन रखी थी, राइडिंग जैकेट थी, ये जो मैंने या मेरे बाकी पार्टनर्स ने पहन रखी है वो 3-लेयर जैकेट है, उसमें आर्मर्स भी हैं, अगर हम जैसे नी गार्ड्स एंड आर्मर्स अगर हाथ पे देखा जाए तो एल्बो पे, तो ये। और अगर सबसे 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 ज़रूरी है हमारा हेलमेट, हेलमेट जो होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ये जो मेरा वाला है ये डॉट अप्रूव्ड है, इसकी कॉस्ट होगी अराउंड 10 से 15 हज़ार रुपये। तो अभी एक्शन कैम्प की लोकेशन मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ। मैंने ना ये छोटी छोटी जगह जैसे वाइज़र पे माउंट कर रखा है, अपने लेग गार्ड पे माउंट कर रखा है, तो मैं कहीं भी अपना ये एक्शन कैम फिक्स कर सकता हूँ। तो अभी मैं लेग गार्ड पे फिक्स कर देता हूँ और आपको यहाँ का भी व्यू समझ में आ जाएगा। अब बहुत टाइम बाद प्रॉपर रोड मिली है, अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। और तो यहाँ इन रोड्स पे राइड करना फिर भी कंपेरेटिवली आसान है। प्रॉपर अगर आपकी रोड्स हो तो आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो और थकते भी नहीं हो। तो दोबारा मैंने अपने हेलमेट पे ही माउंट कर लिया है अपना एक्शन कैम। और अभी ये फॉरेस्ट एरिया है, और एक्चुअली अभी हम है कहाँ, हम हैं नियर डलहौजी, राइट, नियर डलहौजी हैं हम। तो हम आज डायरेक्ट दिल्ली ही जाएंगे, और अभी टाइम हो रहा है 9, तो अभी हम रात में बैरागढ़ी रुके थे तो सुबह टाइम से निकल गए, और आज हमारा प्लान है कि हम डायरेक्ट दिल्ली ही पहुँचें। शायद रात तो हो ही जाएगी इतना लग रहा है, क्योंकि यहाँ से भी 12 घंटे का तो ट्रैवल है ऑलमोस्ट। ये कोई डैम है, अच्छा एक बात बताऊँ, मैं जैसे डैम के ना नियर बाई ये जो रोड्स होती हैं वो बहुत ही बढ़िया होती हैं, तो मज़ा आता है उन पे राइड करने का। अब देखो कितनी बढ़िया रोड है, और क्लीनलीनेस भी बहुत होती है, जैसे कि आर्मी एरिया हो गया, आर्मी कैंट हो गया, ये डैम साइड हो गया, तो ये गवर्नमेंट बहुत मेंटेन करके चलती है इन रोड्स को। अब देखो कितना अच्छा वाटर कलर, आप देखो ग्रीनिश वाटर कलर है। तो एग्जैक्टली पहुंच गए हम डैम के ऊपर, तो अभी उतर के दिखाता हूँ कि ये कैसा और कितना गहरा, कितना डीप। ओ माय गॉड, बहुत डीप है ये तो। तो अभी तो शायद ये वाटर फ्लो नहीं है इधर, तो चलते हैं, सारे राइडर्स भी आगे चले गए। तो अब शाम हो गई है और हम दिल्ली पहुंच गए हैं। तो सब तो हमारे मेरे घर के नियर बाई ही रहते हैं, बस हैदर भाई हैं जो जिनका घर यहाँ है। तो अब बाई कहते हैं हैदर भाई को, भाई मज़ा आ गया। अच्छा चलो एक ग्रुप में तो गले मिल लो सब एक साथ। तो मैं भी पहुंच गया अपने घर सक्सेसफुली, ये कंप्लीट हो गई राइड, जहां से स्टार्ट कर रहा था वहीं पहुंच गए। और शैबी भी आ गई, शैबी ही वेलकम करने एक्चुअली मैं आई है सबसे पहले, और पता नहीं एक दिन भी नहीं रह पाती मेरे बिना, 7-8 दिन से कैसे रह रही थी। और लो इसने ग्लव्स भी मेरा पकड़ लिया, अब ग्लव्स लेके जा रही है। चलो 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 चलो, अब इसका वेट भी तो ज़्यादा हो गया, इतना स्लो स्लो चलती है। चलो 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 चलो, गेट खोलो। हाँ भैया आ गया,
हूँ भैया आ गया। दे दो मम्मी को दे दो ग्लव्स। चलो करते हैं बंद इस ब्लॉग को।